लगातार हार के बीच धोनी अपनी मायूसी छिपाने की लाख कोशिशें करें, लेकिन हार का गम छिपाए नहीं छिपता जना, और उस कप्तान का गम तो ना जाने कितना होगा, जो आंकड़ों की मदद से देश का सर्वश्रेष्ठ कप्तान तो बन गया, लेकिन आंकड़े प्रदर्शन ही उसे विदेश का सबसे नाकाम भारतीय कप्तान बनाते हैं। मैच से मैच देश में धोनी की कप्तानी नाकाबिल साबित हो रही है। चार देशों में लगातार टीम इंडिया जीत हुई है, और अब तो न्यूजीलैंड ने भी भारत के खिलाफ 12 साल बाद पहली जीत हासिल कर चुकी है। तो वही धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया सिर्फ हार के इतिहास लिख रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में हार धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया की 11वीं शिकस्त, जो कि भारतीय टेस्ट कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा है। इससे पहले विदेश में धोनी के साथ अजहर, गांगुली और मंसूर अली खान के नाम 10-10 शिकस्त थी। घर में हिट, विदेश में चित, धोनी के बारे में बात 100% सटीक बैठती है। घर पर भारतीय टीम ने माहे की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया का सुपड़ा साफ किया, न्यूजीलैंड को भी हराया, लेकिन विदेश में ऐसा कोई करिश्मा नहीं कर पाए कप्तान धोनी। भारत में जहां धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने 30 में से 21 टेस्ट जीत हासिल की है, वहीं विदेश में धोनी के बतौर कप्तान रहते हुए 22 मैच में सिर्फ 5 जीत और 11 शिकस्त मिली है। हालांकि लगातार मिल रही हार के लिए पूर्व दिग्गज सिर्फ कप्तान को गुनाहगार नहीं मानते। ऑकलैंड में हार का जिम्मेदार सीधा सीधा धोनी को नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन विदेशों में मिल रही लगातार हार ने धोनी की कप्तानी पर जरूर सवाल खड़े किए हैं, और इनके सवाल जल्द नहीं ढूंढे गए तो ना जाने इन शिकस्तों का सिलसिला कहां जाकर रुकेगा। ऋतुराज यादव, स्पोर्ट्स डेस्क, टाटा न्यूज़।